व्हाट्स अप माय लवली फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक टुडे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बेसिक वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। तो इस ट्यूटोरियल के लिए मैं डाविंची रिजॉल्व यूज़ करूँगा। उसका रीज़न ये है कि वो इकलौता ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक तो फ्री है, दूसरा उसमें कोई वाटरमार्क नहीं आता, तीसरा उसमें जो फीचर हैं वो जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होता है ना, आपके अडोबी प्रीमियर प्रो या फाइनल कट प्रो एप्पल का या एविड, इस टाइप के फीचर हैं। मतलब एक्चुअली वो प्रीमियर प्रो से बेटर है, वो FCP से बेटर है और बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज़ में उसको यूज़ किया गया है। तो मैंने कहा मैं क्यों ना उसी को यूज़ करूँ, क्योंकि वो फ्री है तो कोई भी डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कर सकता है। चलो वो वीडियो शुरू करते हैं यार, बहुत हो गया, लेट्स गो। मतलब ब्लैक मैजिक डिज़ाइन ने ये तो बहुत अच्छा काम करा है कि ये सॉफ्टवेयर फ्री कर दिया है सब लोगों के लिए, लेकिन बस एक ही दिक्कत है यार कि इसके लिए ना सिस्टम बहुत पावरफुल चाहिए होता है। तो आपको कम से कम 8 GB रैम तो चाहिए ही होगा अपने सिस्टम में। अगर आपके सिस्टम में 8 GB रैम नहीं हुआ तो ये खुलेगा ही नहीं। इसको खोलने के लिए 8 GB रैम चाहिए। आप मेरा जो सिस्टम है, मेरे सिस्टम में 16 GB रैम लगा हुआ, उसके बाद भी देखिए आप कितना टाइम लगा रहा है ये लोड होने के लिए। मेरे पास स्टूडियो वर्जन है, बट मैं जो आपको सिखाऊंगा वो सारे फीचर जो फ्री वर्जन है उस पर भी काम करेंगे। तो ये इसका पहला इंटरफेस खोलेगा। अब यहाँ पे तो मैंने पुरानी फाइल से जो मैंने एडिट करी है वो आ रही है, आपका ये एकदम शायद ब्लैंक आएगा। तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे कि न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे DR, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और फिर ये हमारा मेन प्रोजेक्ट खुल गया। यहाँ पे आपको नीचे कुछ टैब दिख रहे हैं, मीडिया, कट, एडिट, फ्यूजन, ये सब टैब है। सबसे पहले जो टैब है हमारा वो मीडिया टैब है। हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम वो सारी फुटेज लेके आएंगे यहाँ पे जिन पे हमको एडिटिंग करनी है। तो मैं अपनी ड्राइव में जाऊँगा और यहाँ पे इस ड्राइव में से ये दोनों फुटेज उठा के यहाँ ले आऊँगा। मैं इन फुटेज को जैसे ही लेके आऊँगा तो ये कई बार ये क्लिप में एरर आता है कि दिस क्लिप हैव अ डिफरेंट फ्रेम रेट देन द करंट प्रोजेक्ट सेटिंग। मैं इसको चेंज नहीं करता, हमेशा डोंट चेंज पे छोड़ देता हूँ। और जब आपका एक बार सारा मीडिया यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद आप जाएंगे अगला एडिट टैब पे। कट पेज भी एक मिनी वर्जन है एडिट का, जिस पे थोड़ा सा फास्ट काम होता है, बट कट पेज थोड़ा लिमिटेड है। जो एडिटिंग पेज है वहाँ पे पूरी कमांड सब कुछ अवेलेबल है, कट पेज में सब कुछ अवेलेबल नहीं होता। तो मैं डायरेक्टली एडिट टैब में जाऊंगा। एडिट टैब में जाके अब हम क्या करेंगे कि हम अपना टाइमलाइन क्रिएट करेंगे, एडिटिंग टाइमलाइन। उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो क्लिप की फ्रेम रेट सेटिंग है वो आपके एडिटिंग टाइमलाइन से मैच करनी चाहिए, क्योंकि डाविंची रिजॉल्व की एक लिमिटेशन ये है कि अगर आपकी क्लिप की टाइमलाइन कुछ और है और आपकी एडिटिंग का जो आप ये टाइमलाइन खोल रहे हो ये कुछ और है, और आगे जाके आपको ये रियलाइज़ करते हो कि ये गलत ले लिया और आपको चेंज करना है, तो आगे जाके आप चेंज नहीं कर पाओगे। ये शुरू में ही आपको देख के करना पड़ेगा। तो मैं इस क्लिप पे क्लिक करूँगा और यहाँ मेटा डेटा में जाऊँगा। तो यहाँ हमारी जो टाइमलाइन है वो 4K है और 23.976 पे है। मैं 1080p पे काम कर रहा हूँ तो मैं 4K को 1080p यूज़ करूँगा, लेकिन हाँ फ्रेम रेट हमको हमेशा सेम यूज़ करना है जो आपकी क्लिप का है। तो हम यहाँ फाइल में जाएंगे, न्यू टाइमलाइन पे जाएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ओके कर देंगे तो एक टाइमलाइन क्लिक क्रिएट हो जाएगी, बट देन हमेशा कस्टम पे जाके एक बार फॉर्मेट में जाके अपना फ्रेम रेट जरूर वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पे 24 आ रहा है तो मैं इसका 23.976 कर लूँगा और मैं कर दूँगा क्रिएट, और ये हमारी टाइमलाइन क्रिएट हो गई नॉर्मल। आप इस क्लिप को यहाँ खींच के डालेंगे, अगली क्लिप को यहाँ खींच के डालेंगे। तो अब हम इस पर एडिटिंग शुरू करते हैं गाइस। तो पहले तो इस टाइमलाइन को आपको थोड़ा बड़ा करना है, तो यहाँ पे एक ये आ रहा है, ये आप देख सकते हैं जूम इन जूम आउट का। तो आप इसको प्लस की तरफ लेके आएंगे तो ये बड़ी होती जाएगी, और माइनस की तरफ लेके आएंगे तो छोटी होती जाएगी। तो हम इसको पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि हम देख पाए हम कर क्या रहे हैं। अगली चीज़ जो है वो हमको क्लिप्स में कट लगाने हैं, कि हमको जो जो पार्ट काम के हैं वो चाहिए वो हम रखेंगे, जो काम के नहीं हैं वो हम हटा देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल स्पेस बार से आप दबाएंगे तो आपका ये टाइमलाइन प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो अब टाइमलाइन प्ले हो रहा है, मेरे को सपोज़ इससे पहले का पार्ट हटाना है, ये हाई करने से पहले का। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे
आपको ये ब्लेड टूल दिखेगा, ये ब्लेड का शॉर्टकट भी आ रहा है, ब्लेड एडिट मोड बी। तो यहाँ पे जाके अगर आप करेंगे तो ये आपका कट गया, आपका कट गया, ठीक है। और कटने के बाद आप वापस से इस पर आ जाएंगे, ये जो है सिलेक्शन मोड, या इसका शॉर्टकट वी भी होता है, तो इस पर दबा के आप जैसे ही इसको डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये अपने आप कट के आपकी क्लिप इधर आ जाएगी, मतलब खाली जगह भर जाएगी, आपको मैन्युअली सरकाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटेंशनली चाहते हैं कि खाली जगह बनी रहे ताकि यहाँ पे आप और कोई क्लिप लगाना चाहते हैं, तो आप डिलीट की जगह पे कंट्रोल एक्स करिए तो वो खाली जगह बनी रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लिप काटना, जैसे करके हम अपनी क्लिप काट लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ काट ली, अब मेरे को यहाँ पे भी कट लगाना है तो मैं यहाँ पे भी कट लगाऊंगा, ठीक है। फिर मेरे को एक कट यहाँ लगाना है सपोज़ यहाँ पे, तो मैं एक कट यहाँ लगाऊंगा, ऐसे करके हमने अपनी क्लिप काट ली। मान लीजिए मेरे को उसके बीच में अपना इंट्रो डालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सारी क्लिप सेलेक्ट करूँगा, इसको इस तरफ सरकाऊँगा थोड़ा सा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके इम्पोर्ट मीडिया करूँगा, और फिर से सारी मीडिया फाइल्स में जाके अपनी क्लिप लेके आऊँगा। ये मेरा इंट्रो है, तो मैं ये लेके आऊँगा, ये मेरा इंट्रो आ गया है। अब मैं इसको यहाँ ला के यहाँ पे इस लेयर पे डाल दूँगा, ठीक है। अब सपोज़ आप इसमें म्यूज़िक लगाना चाहते हैं, तो म्यूज़िक भी लगाने का वही तरीका है कि आप यहाँ जाएँ, यहाँ पे जाके आप इंपोर्ट मीडिया में जाएँ, इंपोर्ट मीडिया में जाने के बाद आप अपनी किसी वीडियो जहाँ पे भी आपके पास कोई म्यूज़िक फाइल पड़ी हो, जैसे कि एक म्यूज़िक है, मैं ये उठाऊँगा, ये म्यूज़िक फाइल लेके आऊँगा, तो ये देखिए म्यूज़िक फाइल में ऐसा MP3 ये खाली वेवफॉर्म आती है, वो थंबनेल आएगा, हम ये लाएंगे और ये यहाँ पे लगा देंगे म्यूज़िक फाइल, तो अब हमारे पास म्यूज़िक भी आएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा जगह बनाने के लिए छोटा बड़ा करके, आपको और ट्रैक चाहिए तो आप यहाँ पे एक ट्रैक और मोनो स्टूडियो कुछ भी कर सकते हैं, मैं मोनो ट्रैक क्रिएट करूँगा। आपको वीडियो ट्रैक चाहिए तो आप यहाँ पे वीडियो ट्रैक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हो गया, एक बार जब आपकी सारी क्लिप्स एडिट हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी वीडियो इतनी है, मैं ये पार्ट हटा रहा हूँ, मैं ये भी पार्ट हटा रहा हूँ, मेरी खाली वीडियो इतनी है, और मैंने इसको ट्रिम कर दिया, ऐसे करके आप ट्रिम करके यहाँ तक ले आएंगे। अगर आपकी सिर्फ इतनी सी वीडियो है, अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट लगाना है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लाएंगे, टेक्स्ट को उठा के लाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाके ये इंस्पेक्टर है, यहाँ पे आके आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप फॉन्ट कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एंड फिर वापस वीडियो में जाएंगे, और ये आपकी वीडियो पूरी हो गई एक बार। और ये टेक्स्ट आप चाहे तो फुटेज के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट के अगर इंस्पेक्टर में जाएंगे तो यहाँ पे आप सब हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, इसका साइज, इसका ट्रैकिंग, इसका लाइन स्पेसिंग, ठीक है, प्लस कहाँ पे प्लेस करना है आपको, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ऑप्शन है यहाँ पे, और ये सारे ऑप्शन है इसमें, आपको ड्रॉप शैडो क्रिएट करना है, ड्रॉप शैडो क्रिएट करने के लिए ये यू नो सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा इंस्पेक्टर से। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये फ्यूजन ग्राफिक के लिए, ग्राफिक का काम करने के लिए, जो कि आज की इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। ये कलर ग्रेडिंग वाला टैब है, ये भी हम आज की इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हम बेसिक एडिटिंग की बात कर रहे हैं। ये टैब ऑडियो एडिटिंग के लिए, जो कि मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, तो उस पर हम कवर करेंगे। हम आते हैं सीधे डिलीवरी टैब में। आप यहाँ पे कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं, कहीं यूट्यूब 1080p, वीमियो 1080p, आप ये सब प्रीसेट को भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैं नॉर्मली कस्टम यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम लूँगा टेस्ट ER फाइल, लोकेशन चुनूँगा कि मेरे को कहाँ पे ये एक्सपोर्ट करनी है फाइल, तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद रेंडर सिंगल क्लिप, मतलब हमको पूरी फाइल की एक क्लिप चाहिए, अलग अलग क्लिप्स नहीं चाहिए, तो हम ये कर देंगे। नीचे आप मेक श्योर करेंगे कि आपने वीडियो सेलेक्ट कर रखा है, फॉर्मेट में आप MP4 सेलेक्ट करेंगे, कॉडेक में H.264 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रेजोल्यूशन आप चेक कर लेंगे। हम जैसे कि मेरा 4K है, लेकिन मैं 1080p भी निकालना चाहता हूँ ताकि मेरी वीडियो बहुत शार्प आए, तो मैंने 1080 सेलेक्ट कर रखा है, टाइम लाइन एकदम ठीक आ रहा है। यहाँ पे आप ऑटोमेटिक की जगह पे रिस्ट्रिक्टेड करके इसको 40,000 कर देंगे, क्योंकि अगर आप ऑटोमेटिक करेंगे तो आपकी छोटी से छोटी फाइल भी कई कई GB की आएगी, तो वो किसी काम की नहीं होगी। और बाकी सबको छोड़ के आप एड टू रेंडर क्यू करेंगे, तो ये रेंडर क्यू में हो गया। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टार्ट रेंडरिंग करना है, और ये आपकी फाइल रेंडर होना शुरू हो जाएगी। एक बार जब ये रेंडर हो जाएगी तो आपकी लोकेशन पर जाएगी, फिर आप इसको चला के देख सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो कुछ यूज़फुल लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, या आप
कुछ और जानना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में तो मेरे को कमेंट करें, कोई बढ़िया टॉपिक रिकमेंड करें इस सॉफ्टवेयर के बारे में, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आप लोगों की कुछ मदद कर पाऊँ, ठीक है। और बाकी आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज मेरे को DM कर सकते हैं और वहाँ पे हम 1-to-1 टॉक भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, और बाकी अगली वीडियो के लिए मैं जल्दी आपके सामने फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक enjoy your time, see you soon and bye bye.